सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत, अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री रामचंद्र मित्तल जी, फर्म श्याम कुमार राजकुमार एवं श्याम कुमार राजकुमार प्राइवेट लिमिटेड, आप दालों का व्यवसाय करते हैं। आप सन 1965 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्रत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं वैसे व्यक्ति से आपका साक्षात करवा रहा हूँ, मैं साक्षात कर रहा हूँ जिस व्यक्ति को विजय 53 साल हुए, वो के मैं एक साल पहले आपसे आया हूँ, यानी 54 साल से दिल्ली नया बाजार में है। दिल से मेरा मन किया कि बाबूजी आपको सम्मान करते हुए मैं आपका दो शब्द आपसे लेना चाहता हूँ, आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। आपका हंसमुख चेहरा, मिलनसारिता और सबसे बड़ी बात यह, मन में किसी प्रकार का नहीं है, इतना खुलकर क्लियर बोलने वाले शायद मेरे व्यापार क्षेत्र में सब कुछ देखा, सब कुछ देख रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति कब मिलते हैं, बिरले मिलते हैं। जो मैं हनुमान, ये राम, देखे संजोग की बात, और एक साल ऊपर मैं 53 साल हुआ, इनको 54 साल हुआ, ऐसे व्यक्ति है श्री रामचंद्र जी, फर्म श्याम कुमार राजकुमार के प्रोप्राइटरी, आज उसे साक्षात कर रहा हूँ, वो अपने बारे में और फर्म के बारे में और मेरे बारे में क्या इनकी जिज्ञासा है, क्या कहना चाहते हैं, उसको खार से सुने। आदरणीय व्यापारी बंधुओं, मेरे सामने आज दोबारा जो है हनुमान जी जैन जो है दोबारा मेरे से संपर्क में आए। मैंने इनसे पूछा कि हनुमान जी आप दोबारा आने का क्या कारण हुआ, वो उन्होंने कहा जी जो आपकी डायरेक्टरी बन रही है उनमें मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। मेरा हनुमान जी का संबंध 53 साल से रहा, मुझे भी इस बाजार में 54 साल के अंदाज हो गए। जब सन 1965 की लड़ाई जब हुई थी उस टाइम में मैंने इस दिल्ली में कदम रखा था। मैंने दिल्ली के अंदर बहुत उतार चढ़ाव बाजार में देखा, सब कुछ किया और अपने समय को बड़े इज्जत और उससे निकाला। आज मैं फर्म श्याम कुमार राजकुमार को करीबन 42 साल से चला रहा हूँ और हमारे जो मेन मालिक है वो सिंगापुर रहते हैं, उनसे मेरा संबंध करीबन 48 साल से एक ही फर्म के साथ रहा। पहले हम रुई मंडी थे, आज नया बाजार में है। और मेरा तो एक ही कहना है, हनुमान जी से भी यही कहता हूँ और अपने आप को भी यही कहता हूँ कि पैसा तो एक आनी जानी चीज़ है, इस पैसे के ऊपर तो आज तक किसी ने गर्व नहीं किया, और वो गर्व जिसने किया वो उस पैसे को ख़त्म करके और फिर उसी में मिल गया। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, हनुमान जी से भी यही कहना है कि जो इज्जत मान सम्मान समाज में आपको हमें मिल जाए उससे बड़ी कोई कमाई समाज में नहीं है। और वही समाज जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तब भी वही समाज जो है हमें याद करेगा कि भाई वो आदमी इस किस्म का था या उसमें ये कमी थी या अच्छाई थी। सच्चाई की राह पर चलने वाला आदमी कभी भी जो ना पीछे नहीं हट सकता, और समाज में और बड़े बुजुर्गों में हर जगह उनको सम्मान और इज्जत प्राप्त होती है, मेरा तो यही कहना है। तो मैं तो आपको एक चीज़ और कहता हूँ कि एक दिन हम सैर करने को जो चले, दिल में 100 अरमान थे, रास्ते में क्या देखा, एक तरफ हरियाली और दूसरी तरफ शमशान थे, पांव तले हड्डी चुभी और हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले चम्ब चमल के, चलने वाले चल चमल के, हम भी कभी इंसान थे। तो मेरा तो यही कहना हनुमान जी से भी और अपने आप को भी यही कहना है कि जितना इंसान इस बाजार में संभल के सोच के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करके चलेगा वही इस बाजार में दो रोटी कमा के खा सकता है। और जो हनुमान जी जो डायरेक्टिव विशेषांक बनाने जा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से और पूरे बाजार की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से खासकर ये कहता हूँ कि भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और हमारी जो उम्र साथ साथ चल रही है ना, ये उम्र बोनस के रूप में जहाँ तक हमें भगवान दे
हम इस काबिल रहे कि हमें किसी से जाते दम पानी के गिलास की मांगने की आवश्यकता ना पड़े, मेरा तो यही कहना। अच्छा व्यापारी भाइयों, देखा आपने कितना सुंदर, कितना जैसे पीछे बोला था ऐसी धारावाहिक, बिकॉज सब कुछ यही साथ जा रहा है, यही कार्य मैं कर रहा हूँ। से जो पूछा जाता है कि हनुमान ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं आज व्यापारी भाई और समाज के यदि सही समझ गए होंगे कि मेरा ऐसा पागलपन का दौरा क्यों चल रहा है, यही जा रहा, यही देख रहा हूँ कि जहाँ आप विराजमान है वहाँ मैं ऑटोमेटिक विराजमान हूँ, मैं वो मेरा नाम लिया जाएगा, जहाँ आपका नाम आ गया वहाँ मेरा नाम अवश्य आएगा, जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान का नाम है।